बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन जो कुछ भी हुआ इसकी कल्पना किसी भी भारतीय फैन ने नहीं किया था। टीम इंडिया ओवरकास्ट कंडीशन में सिर्फ 46 रन पर आउट हुई, जिसकी वजह से भारत के दूसरी पारी में शानदार कमबैक के बावजूद भारत को शिकस्त मिली। न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हराया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टॉप पर काबिज अपने घरेलू मैदान में सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है। रोहित शर्मा एंड कंपनी को घर में हराना किसी भी विरोधी टीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन यहां बेंगलुरु में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने करारी शिकस्त दी। 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बेंगलुरु टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड से मिली 8 विकेट की शर्मनाक हार के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट एक्टिव हो गई है और 24 अक्टूबर से पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम को फंसाने की तैयारी कर ली है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने बड़ी चाल चल दी है। जी हां, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जुगलबंदी में भारतीय क्रिकेट टीम पलटवार को तैयार है, जहां पुणे में मेहमान टीम न्यूजीलैंड को फंसाने के लिए स्पिन फ्रेंडली विकेट तैयार कराने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यूजीलैंड टीम को फंसाने के लिए पुणे में काली मिट्टी के साथ सूखी पिच बनवाई जा रही है। ये पिच सूखी और नीचे रहेगी, जिसमें स्पिनर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। आपको बता दें, भारतीय टीम यहां 3 स्पिनर्स के साथ खेल सकती है। वैसे भी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्क्वाड में वॉशिंगटन सुंदर को भी शामिल कर लिया है। टीम मैनेजमेंट स्पिन गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी को भी मजबूत करना चाहती है। ऐसे में अब यहां पर वापसी के लिए स्पिन पिच तैयार कराई गई है। ऐसे में पुणे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर यहां टीम इंडिया टॉस हार जाती है और न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा तो टीम इंडिया अपने ही चक्रव्यूह में फंस सकती है, क्योंकि भारतीय टीम को चौथी पारी में खेलना होगा, जो आसान नहीं रहेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पिच कैसा रवैया अपनाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या क्या बदलाव होंगे टीम इंडिया में, किन किन प्लेयर्स को खिलाया जाएगा, किन किन को आराम दिया जाएगा, क्या शुभमन गिल वापसी कर सकते हैं और केएल राहुल को बैठाया जाएगा, सरफराज खान ने अपना जगह पक्का कर लिया है टीम इंडिया में तो अब उन्हें हटाने का चांस नहीं है, आपकी इन सारी बातों पर क्या राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।